Assalamualaikum, hi friends, I am Asghar Ali and you are watching Technical Bajwa. दोस्तों एक हमने वीडियो बनाई थी Infinix Zero X सीरीज के बारे में, लेकिन जो मेन मॉडल है Infinix Zero X का वो है Infinix Zero X Pro। आज इस फोन की फुली स्पेसिफिकेशन आपको बताएंगे, पाकिस्तान में कब ये फोन लॉन्च होने वाला है, प्राइस एक्सपेक्टेड कितनी आएगी, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो ये फोन आपको इस फोन का वेट करना चाहिए या नहीं ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को देखा कंप्लीटली, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। इस बार जो है वो Infinix ने कुछ नया करने का सोचा है, डिजाइन का मामला हो, कैमरास का मामला हो या यहाँ पर प्रोसेसर का मामला हो, सभी मामलात में दोस्तों कुछ नया करने जा रहा है Infinix इस Zero X सीरीज में। सबसे पहले डिजाइन की बात करें, Infinix Zero X Pro में बैक साइड पर ड्यूअल ग्लास कोटिंग दी गई है और एक अलग सा डिजाइन बनाया गया, दानेदार सा डिजाइन है और यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल भी काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। डिफरेंट एक डिजाइन दिया गया है, स्टाइल काफी अच्छा दिया गया है बैक साइड से। यहां पर दो तीन कलर्स लाजमी आएंगे Infinix Zero X Pro में दोस्तों। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, यहां पर 108 मेगापिक्सल का यहां पर मेन कैमरा लगाया गया है दोस्तों और यहां पर माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी के जरिए, मतलब कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, डायरेक्टली 108 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं लगाया गया। तो खैर यहां पर सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड कैमरा सेकंड एंड थर्ड कैमरा, पेरिस्कोप कैमरा 60x जूम के साथ, मतलब चांद भी करीब दिखाएगा आपको, ऐसा कैमरा है। लेकिन फोन जब ये हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि जूम एग्जैक्ट कितना दोस्तों क्लियर दिखाता है। और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लगाई गई है फ्रंट कैमरा, और डिस्प्ले में भी काफ़ी चेंजिंग की गई है। डिस्प्ले यहां पर फाइनली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा आपको, 6.67 इंचेस का नॉर्मल स्क्रीन है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं दी गई, मतलब कि शाओमी के फ़ोन जो रेडमी नोट 9S या रेडमी नोट 9 प्रो या यहाँ पर पोको X3 वैसा ही साइज़ दिया गया है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं जैसे Infinix के हर फोन में होता है। और यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी लगाया गया है, एमोलेड डिस्प्ले साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये कमाल की जोड़ी बन जाएगी, मैशअप जबरदस्त है, मतलब के डिस्प्ले धमाकेदार बन जाएगा। तो Zero X Pro में नाम प्रो है तो यहाँ पर फीचर्स भी प्रो ही दिए गए। प्रोसेसर में चेंजिंग नहीं की गई लेकिन एक बड़ी चेंजिंग भी कर दी गई है, मतलब MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर है और साथ में इंडिविजुअल यहां पर यूनिट लगाया गया है, ग्राफिक यूनिट लगाया गया है। G95 आपको परफॉर्मेंस देगा, साथ में ग्राफिक यूनिट लगाया गया है, मतलब कि डिस्प्ले में बहुत इंप्रूवमेंट दी जाएगी। यहां पर गेमिंग का मामला हो या यहां पर आप कोई मूवीज वगैरह देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो डिस्प्ले में बहुत सी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है दोस्तों Infinix Zero X Pro में, और बैटरी का कंफर्म नहीं लेकिन यही कहा जा रहा है 4500 mAh की इसकी बैटरी दी गई है, क्योंकि यहां पर फोन को स्लिम एंड स्मार्ट बनाया जाएगा, मतलब के 7.8 mm की थिकनेस है। यहां पर रैम मैनेजमेंट में भी चेंज की गई है, मतलब कि 8 GB की रैम पक्की दी जाएगी, साथ में 3 GB की एक्सटेंडेड रैम भी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब कि 11 GB की रैम, साथ में आपको स्टोरेज 128 GB और 256 GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट आता है ये बाद में ही कंफर्म किया जाएगा। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर भी यहां पर न्यू लगाया जाएगा, और अगर प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाए, प्राइस Infinix Zero X Pro की 50,000 के करीब करीब आएगी। अब 50,000 से ज़्यादा अगर आ गई, जैसे फैंटम एक्स का हाल हुआ था, तो ये भी मार्केट में पड़ा रहेगा। अगर एग्रेसिव प्राइस में आ जाता है दोस्तों, 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट ही दे दें, लेकिन अच्छी प्राइस में आ जाए तो ज़रूर सेल आउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर में चेंजिंग नहीं है, कैमराज के मामले में चेंजिंग की गई है और एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, तो प्राइस 50 के करीब करीब लाई जाएगी। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कितनी प्राइस आने वाली है यहाँ पर और फीचर्स आपको कैसे लगे, कैमरास, एमोलेड डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, प्रोसेसर, क्या आपको अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।